له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم تهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

मेरे लिए बड़ी मसरत की बात भी है कि अल्लाह की तोफ़ी से मुझे आज ये एज़ाज़ मिल रहा है कि सही बुखारी शरीफ़ की आखिरी हदीस पर दरस देने की शदत हासिल कर रहा हूँ लेकिन मुझे बड़ी शिद्दत के साथ एहसास भी है कि एक कम माया कम इलम, कम अमल तालब इलम को ये एज़ाज़ बख्शा जा रहा है अल्लाह तबारक व तला से दुआ है अल्लाह करीम मुझे भी इस तालब इलम को भी अहिल इलम के साथ बैठने की शदत के ज़रिए से इलम का कुछ हिस्सा मुझे भी अपनी जनाब से अता फरमा दे दीन इस्लाम किताब सुन्नत का नाम है अल्लाह के कुरान का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का ये इलम जो बंदा इसके साथ जुड़ जाता है इखलास के साथ और अपनी तोानाइयाँ इसके लिए शर्फ कर देता है और इसे फैलाने में इसकी नशर इशात में दिल के साथ हिस्सा लेता है अल्लाह तबारक व वाली उसे ओज सुरैया की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं शर्त यही है कि इंसान इसके साथ अपना ताल्लुक़ जोड़े और अखलास के साथ जोड़े और फिर दिन रात शब रोज अपनी तोानाइयाँ इस इलम को फैलाने में शर्फ़ कर दे तो अल्लाह करीम दुनिया की मंजिलें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं लेकिन इंसान के रुतबे बुलंद होना जो है वो ख़त्म नहीं होते बहुत से उलमा आए अहल इलम आए दीन के साथ ताल्लुक़ जोड़ने वाले आए और अल्लाह तबारक व वाली उनकी मंजिलें बुलंद करते ही चले गए उन्हीं में से एक हस्ती जिन्हें दुनिया सैदुलफ़ाहाई उलमुहदिन अमीरमीन अफिलहदीफ अफ़कू खलक़िल्ला फ़ी ज़माना महमद बिन इसमाइल बिन इब्राहीम बिन बरदा अलजोफ़ी अलबुखारी रम् रहमतान वास्याा इनके नाम के साथ जो है वो जानती है इन्होंने भी इखलास के साथ और अपनी तमाम तर तो के साथ दीन की खिदमत का बेड़ा उठाया और दिन रात इस इलम को फैलाने में हासिल करने में और सही दीन उम्मत तक पहुँचाने में एक कर दिया नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व वाली ने आप सल्लल्लाहु सला वसलम का जो फ़रमान था नज़र अल्ला मरान सम मकालती फ हाफिजहा व आह वाह कमा समा अल्लाह करीम उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा कर दे जिसने मेरी हदीस को सुना उसे याद किया और याद करने का हक़ अदा किया और फिर वो आगे उसको फैलाया उसे लोगों तक पहुँचाया अल्लाह करीम उसके चेहरे को रोशन कर दे उसके चेहरे को तरोताज़ा कर दे इमाम बुखारी रहमल्ला ने राममतन वासिया शेख आगे तशीफ लेरगत इमाम बुखारी रिमहल्ला ने यह इलम लिया और उसे फैलाया अल्लाह अबारक वाला ने आप के चेहरे को तरोताज़ा ही नहीं किया बल्कि आपके नाम को अपने नाम के साथ अपने रसूल के नाम के साथ रहती दुनिया तक जो है वो ज़िंदा कर दिया और ताबंदा बना दिया आज कोई मदरसा कोई इदारा, कोई जामिया, कोई दीनी मरकज़ ऐसा नहीं है जहाँ पे सही बुखारी की तालीम ना दी जाती हो और लोग इमाम बुखारी की असल किताब का जो नाम है वो वैसे ही भूल गए हैं लोगों को सिर्फ इतना ही पता है क्या पढ़ रहे हो हम बुखारी पढ़ रहे हैं हम बुखारी पढ़ रहे हैं इमाम बुखारी का नाम लिया जाता है हालांकि बुखारी नहीं पढ़ी जाती इमाम बुखारी की लिखी और जमा की हुई किताब जो है सही बुखारी उसे पढ़ा जाता है लेकिन अल्लाह तबारक व ताली ने क्या नाम को एजाज़ बख्शा है कि दुनिया वाले कहते हैं हम बुखारी पढ़ते हैं आज किसका दर्स हो रहा है आज बुखारी का दर्स हो रहा है हालांकि बुखारी का दर्स नहीं होना इमाम बुखारी ने जो आखिरी हदीस नकल किया उसका दर्स होना है ये एक मिसाल है छोटी सी कि अल्लाह तबारक व ताली ने उनका किस कदर नाम रोशन कर दिया वजह अल्लाह के दिन के साथ ताल्लुक जोड़ा आज दुनिया के लोग मालो दौलत से चौधराहट से कुर्सी से मोहब्बत करते हैं शोहरत के भूखे हैं और पता नहीं किस किस चीज़ का हिरस है और उसके लिए क्या क्या वो जतन जो है वो करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी अव्वल तो शोहरत मिलती नहीं अगर मिल भी जाए तो चंद दिनों के लिए और थोड़े से अरसे के बाद लोग उनका नाम भी भूल जाते हैं हमारे कितने हुक्मरान हैं बड़े से बड़े चौधरी और बड़े से बड़े सेठ और बड़े बड़े लैंड लाट और बड़े से बड़े कानून और नमरूद आज दुनिया उनके हालात को नहीं जानती उनके वाकयात को नहीं जानती कभी नाम ज़िक्र किया जाता तो जेन में आ जाता है लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान के ऊपर है मुसलमान हो सही अपने तो अपने हैं बेगानों की ज़ुबान के ऊपर भी नाम है बुखारी का ये कि ये बुखारी की किताब जो है ये लोगों में इनकलाब पैदा करने वाली है इसको जो है वो ख़त्म किया जाए तो मामला जो है वो अच्छे हो सकते हैं चुनाचे तरह तरह के उसके ऊपर एतराज़ात जो है वो किए जाते हैं बहरहाल मैं ज़िक्र कर रहा था दीन के साथ ताल्लुक़ जोड़िए ये मेरे लिए भी सबक है आपके लिए भी है और इखलास के साथ जोड़िए और उसके मुताबिक अमल कीजिए इमाम रहम रम् ने अमल भी किया सिर्फ हदीसें जमा नहीं की बल्कि कहते हैं मालिम तो हदीसन इल्ला आमिल तो भी मैंने जिस हदीस को भी जाना कि यह सही है उसके मुताबिक मैंने अमल भी किया कोई हदीस ऐसी नहीं छोड़ी जिसके खिलाफ मैंने अमल किया मैंने उसके ऊपर अमल ना किया तो दीन के साथ ताल्लुक जोड़े और इखलास के साथ ताल्लुक जोड़े और अमल करके दिखाए अल्लाह तबारक व ताला शोहरत की कोई कमी नहीं रहने देंगे इज्जत की कोई कमी नहीं रहने देंगे दुनिया व आखरत दोनों जहानों में कामयाबी की कोई कमी नहीं रहने देंगे जरूरत इस बात की है कि उसके साथ ताल्लुक जोड़ा जाए अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तौन अहिल की सफ़ में हमें भी शामिल फरमाते हैं वेब्बुल सालवल तो ला यर्जो को न सलाह नेक लोगों से मोहब्बत तो है या अल्लाह उनका बड़ी इज्जत के साथ अबू बकर रदी अल्लाह तैन हो उम्र फ़ारूक रदी अल्लाह तैन होस्स्मान गनी रदी अल्लाह तैन हो अली मुर्तद रदी अल्लाह तैन हो तमाम से हबः क्रा और दीन और बिलखसूस इबाम बुखारी राह या अ सब बुजुर्गों से हम मोहब्बत करते हैं इन जैसे अमल तो बड़ी दूर की बात है उनके पाँव की खाक जैसे भी नहीं है या हमें भी उनका साथ जो है वो नसीब फरमा दे कल के आमद के दिन जब इन लोगों को नबी करीम अलैहि वसल्लम के साथ जमा फरमाए तो हमें भी उनके साथ जो है वो जमा फरमा देना इमाम बुखारी रहा को अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा अज़ीमशान मकाम अता फ़रमाया चंद एक बातें इमाम साहब के बाद मनुमा करूँगा और चंद एक बातें उनकी किताब के बारे में और उसके बाद इन हदीस की तरफ आ जाएंगी इमाम साहब की तारीफ़ इमाम साहब ने नहीं कहा मेरी तारीफ़ करो ना ही उन्होंने खुद तारीफ़ की है, जैसे हम अपने अलकाब जो है वो दिलवाते हैं लेकिन चंद एक अकवाल उनके इस के उनके शागिदों के और उनके मुआसरीन के नकल किए देता हूँ इमाम बुखारी रहमुल्लह के एक उस्ताद हैं कुैबा बिन सईद रहम्ला बहुत बड़े उस्ताद हैं और बहुत बेशुमार रवायात हैं इमाम बखारी ने अपनी सही में उनकी नकल किए हैं हदसना कोतबन सईद रम् वो फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने इमाम बुखारी के मुकाम और मरतबे के बारे में सवाल किया तो फरमाने लगे नज़र वजुआ तो हदीस, व नजर तो फिर राय, व जालस जालसत अलफ़ा व जोहाद मार ऐ तो फीम मिसल महमद इबन इसमायल अलबुखारी रहा रहमत उस्ताद कहते हैं मैंने हदीस को भी देखा मैंने क्यास और राय को भी देखा मैं फुकाहा की मजलस में भी बैठा मैं तहजद गुजार इबादत करने वाले जुहाद की मजलस में भी बैठा इबादत करने वाले लोगों की मजलस में भी बैठा दुनिया से बेरगबती इख्तियार करने वालों की मजलस में भी बैठा लेकिन लोगों मैंने अपनी जिंदगी में इमाम बुखारी राहुल्ला जैसा शख्स जो है वो किसी को नहीं पाया इमाम मोहम्मद बिन इस्लाम अलबेकंदी रहमल्ला ये भी इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम बुखारी के उस्ताद वो फरमाते हैं कि जब भी इमाम बुखारी रहम्ला मेरी मजलिस में आकर बैठे तहैर तो वला अजाल व खा इफम मिन हो मैं हैरान रह जाता और मुसलसल मुझे डर लगा रहता कहीं मुझसे ख़ता सरजद ना हो जाए मेरा शागिर्द मौजूद है उसकी मौजूदगी में मुझसे कहीं गलती ना हो जाए मैं हमेशा जो है वो डरता ही रहा यह भी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं जो इमाम बुखारी रहमल्ला के बारे में फरमाते हैं एक तीसरे उस्ताद हैं अलीबनमदीनी और राहम जिन्हें हदीस कहा जाता है जिन्हें जरा वतदील का इमाम कहा जाता है बहुत बड़े आलिम हैं इमाम बुखारी रहमोल्ला का खुद कलाम है कि किसी की मजलस में भी बैठते हुए मैंने अपने आप को कभी कम तर नहीं समझा इमाम अली मदीनी रहमोल्ला एक ऐसे इमाम हैं जब उनकी मजलस में बैठता था तो उनमें मुझे भी अपनी कम तरीका एहसास होता था कि मैं छोटा हूँ ये बहुत बड़े इमाम इमाम बुखारी रहमोल्ला की ये बात किसी ने इमाम अली मदीनी रहमोल्ला को जाकर बतला दी कि इमाम साहेब आपके बारे में इमाम बुखारी रहमल ये कहते कि मुझे उनकी मजलिस में कमतरी का एहसास होता है तो इमाम अली अब मदीनी रहमोल्ला फरमाते हैं दाऊ हो इस जुमले को छोड़ो इमाम बुखारी ने क्या कहा इसको छोड़ो फैन लम यार मिसल हूँ और मिसला नफसी ही इमाम बुखारी रहम्ला ने तो अपने जैसा सारी जिंदगी खुद भी नहीं देखा है किसी और ने क्या देखना है यह भी उस्ताद की एक शहादत है जो कहते हैं कि दुनिया में इमाम बुखारी जैसा जो है वो आया नहीं है और इमाम मुस्लिम राहम्ला इमाम बुखारी राह के शागिर्द है वो फरमाते हैं अशहदु अन्हू लई दुनिया मिसला मैं गवाही देता हूँ कि इमाम बुखारी जैसा दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई पैदा ही नहीं किया जो हमने जो है वो कभी देखा ही नहीं और एक इमाम ने तो अखीर कर दी उनका नाम यही बिन जाफर अलबेकंदी राहमल्ला है वो फरमाते हैं गालबन शायद मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे लगता है कि यह कॉल उनका उस वक्त का है जब इमाम बुखारी रहमुल्ला वफात पाग कहने लगे अगर मेरे इख्तियार में होता अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं अपनी सारी उम्र जो है इमाम बुखारी को दे देता अगर मेरे बस में दे देता तो अपनी सारी जिंदगी में इमाम बुखारी के नाम लगा देता कहते क्यों कहते मैं मर जाऊंगा तो मऊ थी मऊ तो रजुल मेरी मौत तो एक बंदे की मौत है और इमाम बुखारी रम्ला की मौत जो है जिहाबुल वो तो इलम के जाने की मौत है इलम खत्म हो जाएगा इमाम बुखारी चले गए तो गया के इलम ही खत्म हो गया अल्लाह अकबर ये चंद एक अकवाल हैं जो अहले इलम ने जो है वो इमाम बुखारी रहा के बारे में कहे हैं ये तो बड़ी लंबी तफसील है अगर मैं अकवाल का सिलसिला शुरू करूँ इमाम हाफद इबिन हजर रहम् रहमतन वास्याा उन्होंने भी इमाम बुखारी का हक अदा किया और इमाम बुारी रला की सही बुखारी का हक अदा किया फ़तुलबारी सही बखारी की जो शरह है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया हक तो नहीं अदा होता लेकिन बहरहाल ला हजरत बादल फतः जैसे फ़तेह मक् के बाद मदीना से मक्का की तरफ दोबारा कभी हिजरत नहीं हो सकती है हाफत इब्ने हजर रहम्ला ने जो बारी लिखी है सही बुखारी की शरह उस शरह की मौजूदगी में उसके बाद कोई शरह जो है वो बाकी नहीं रहती जो काम उन लोग उन्होंने कर दिया है कोई माई का लाल ना आज तक कर सका है और ना बाद में कर सके सारे के सारे आयाल शर ही अल इमाम इबन हजरानी राहम सारे के सारे उनके पैरोकारी हैं किसी ने कोई नया मजीद कोई अजाफी काम नहीं किया ज़ाहर बात है बाद में आने वाला नुक्ता चीनी तो कर ही लेता है इसमें फ़लां जगह पर खराबी है फ़लां जगह पे ख़राबी है लेकिन उस जैसा काम करके दिखाए जिसने समंदर जो है वो एक जमा कर दिया सही बुखारी का वो यहाफजन यह हजर फरमाते हैं कि अगर मैं सारे अकवाल ओला के इमाम बुखारी की तारीफ के जमा करना शुरू कर दूँ अपने ज़माने में कहते बाद के ज़माने के तो पता नहीं कितने अकवाल हैं कहते हैं अगर सारे अकवाल उनकी तारीफ़ के मैं जमा करना शुरू कर दूं तो कापियों के वके जो है वो ख़त्म हो जाए जिंदगी की सांसें जो है वो ख़त्म हो जाए फजा का बहरल्ला साहिला लहू ये तो इमाम बुखारी एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है अल्लाह अकबर ये वही मेरी पहली बात जो मैंने ज़िक्र की उसके रोशनी में इसको ज़रा समझने की कोशिश करें जो बंदा इखलास के साथ दीन इलाही के साथ अपने आप को मशगूल कर देता है शब और रोज इसके लिए सरफ कर देता है अल्लाह तबारक व उसको बुलंद करते ही चले जाते हैं बुलंद करते ही चले जाते हैं दुनिया की बुलंदी की मंजिलें खत्म हो जाती हैं उस इमाम की रिफत और मंजिलत जो है वो खत्म नहीं होती ये अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी रहा को जो है वो मुकाम और मरतबा जो है वह अताफरमाया आइए चंद एक बातें इमाम साहब की किताब के बारे में कर ले किताब भी ऐसे ही है इमाम साहब की तरह और इमाम साहब तो एक इंसान है किताब तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो जमा किया है कहते हैं सोलह बरस मेहनत करके दिन रात एक करके जिंदगी के बाद अयाम में पत्ते खाकर पत्ते खाकर गुजारा करके मैंने सोलह बरस की मेहनत शाखा के बाद छः लाख हदीस के जखीरे से सात हजार पाँच सौ तिरसठ हदीस जो है वो जमा फरमाई है सोलह साल एक साल दो साल नहीं आज एतराज करने वाले बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी एतराज करते हैं इसमें तो ये है इमाम बुखारी ने यूँ कह दिया ये कैसे सही हो सकता है मेरी अक्ल नहीं मानती मेरा फलां नहीं है वो जरा थोड़ा सा गौर तो करो सही उसने कैसे लिखा है सोलह बरस जो है वो सर्फ किए दिन रात एक कर दिया और सही बात यह है ये जुमला जिसने कहा है सौ फीसद सही कहा है का खोले कल हदीस गोया के इमाम बुखारी को अल्लाह ताला ने हदीसे पाक ही के लिए वक्फ किया उन्हें पैदा ही इस काम के लिए किया और उनका कोई काम था ही नहीं बस हदीस सुबह हदीस दोपहर हदीस शाम हदीस रात हदीस आखिरी रात का पहर हदीस 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 यही वो काम करते थे और कोई काम नहीं करते थे सोलह साल में यह काम किया जिसका नतीजा ये निकला वो खुद ही कहते हैं कर नू उलहिमल हिमल उल हिम तू फीफिल हदीस मुझे जो है वो बचपने से ही अल्लाह तबारक व तला ने मेरे दिल और दिमाग में डाल दिया हदीस को याद करना हदीस को याद करना है ये मेरे बचपने में दिल में डाल दिया गया वो वाक्य मशहूर है आपने कई दफ़ा सुना होगा दरसों में कि एक दिन इमाम बुखारी रहम्ला एक क्लास में आ गए और उस्ताद बैठे पढ़ा रहे थे तो उस्ताद सबक देने लगा और पढ़ाने लगा हद्दा सना या हद्दा सनी सुफियान अन अब जुबेर अन इब्राहिम इमाम बुखारी जो है वो खड़े हो गए कहने लगे उस्ताद जी ये रिवायत सही नहीं है ये लफ्ज जो आप बतला रहे हैं ऐसे नहीं है कहा बैठ जाओ अब हमारी गलतियां छोटे बच्चे निकालेंगे कहा उस्ताद जी जो मैं बात कह रहा हूँ वैसे ही है ये बदीस ऐसे नहीं है अबू ज़ुबैर जो है इब्राहिम से कोई रिवायत बयान नहीं करता साथ परेशान हो गए कहने लगा साजी आपके पास असल नुस्खा है कहा है कहा ज़रा उसको देख लीजिए साज उठ के कमरे में गए अपनी कापी चेक की किताब चेक की तो देखा कि वाकई बात तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ वापस आए कह लगा बेटा मैंने गलत पढ़ा है लेकिन अब सही तुम करो कि सही क्या है सही भी बताओ कहले कि उस्ताद जी ये हदसना सुफियान अन अबी जुबैर नहीं है अन जुबैर है अबू का लफज नहीं है ये ज़ुबैर है जुबैर इबन आदि अन इब्राहिम जुबैर जो है वो इब्राहिम से जो है वो बयान करता है उस्ताद ने कहा बेटा आपने ठीक कहा पेंसिल ली और अपनी किताब से उस लफ्ज को जो उनके सामने मौजूद थी उसको सही कर लिया इमाम साहब से पूछा गया शेख मोहतरम जिस वक्त आपने ये गलती निकाली थी उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी लगे उस वक्त मेरी उम्र सत्रह ग्यारह बरस थी ग्यारह बरस थी ग्यारह साल का था अल्लाह ताला ने हदीस के हिफज करने को उनके दिल में डाल दिया था उनका दिल भर गया था कि हदीस ही पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना यही याद करना है यही नतीजा है कि 6 लाख हदीसें इमाम साहब को जो याद थी या उनके जमा की और उनमें से जो है वो सिर्फ सात हजार पाँच सौ तिरसठ हदीसें जो है वो सही तरीन मजमु हमारे सामने रखती इतना सही जिस किताब का नाम है अल अलजाममुसनत सही अलमुख्तर मीन अमूर रसूल सल्ला वसूल व्याम सही इस किताब को कहा जाता है सही का मतलब तमाम रिवायत जो मरफू हैं जिसमें काला काला रसूल वसल्लम सनत के साथ जिक्र किया गया वह सौ फीसद सही है हती के अहिल ने यह बात नकल की है अगर एक आदमी कहता है अगर सही बुखारी में कोई रवायत ज़यीफ हो तो मेरी बीवी को तलाक एक मुहदस ने कहा अगर सही बुखारी में कोई रवायत ज़यीफ हो तो मेरी बीवी को तलाक इलम ने बिल बिल्तफाक कहा उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी क्यों नहीं होगी इसलिए कि इस किताब के अंदर ज़यीफ रवायत है ही नहीं सब रवायतें सही जो मरफू हैं जो सनत के साथ इमाम साहब ने कला कला रसूल वसम किए हैं वह सोफीसद जो है वो सही है जिन लोगों ने चंद एक हदीसों के बारे में कुछ लोगों ने इतराज़ा किए हैं लेकिन अहिल ने ले नकल किया उनमें भी उनके इतराज़ा की कोई हैसियत नहीं इमाम बुखारी का कौल जो है वो सही है कि ये रिवायत जो है वह सोफीसद सही है ये सोलह साल की मेहनत में सात हज़ार पाँच सौ तिरसठ हदीसें जो है वो जमा की जिसके बारे में कहते हैं इस किताब के अंदर मैं लिखते वक़्त वसल करता और वुजू करता और दो रकत नमाज पढ़ के इस्तारा करता फिर अपनी किताब के अंदर उस हदीस को लिखता कि अल्लाह ये सही है तो मुझे लिखने की तौफीक नसीफ़ फरमा अगर ये ज़ईफ़ ने सही नहीं है तो मुझे लिखने की तौफीक ना देना इस तरीके से सही हदीस का मजमू जो है वो मुरत्तब फरमाया ये थोड़ी सी आवाज़ कम करने देना तो फिर ये हदीसें जमा की और इसके अबवाब जो जोवान लिखे हैं ये आपने मस्जिद नबी में यह हदीसें जमा की हैं मक्का में में, वहां पे लिखते रहे और जो मुकर्र किए वो मस्जिद नबी में रियाजुल जन्ना में बैठकर जो है वो मुरतब फरमाए जिस जिस उनवान को ये एजाज़ हासिल है कि अहल इलम ने कहा फिकल बुखारी फी तरा जुमी इमाम बुखारी की फकाहत को अगर समझना है तो उनके उनवान को देख अल्लाह ने इलम दिया है और इतना ज़बरदस्त इलम दिया है समझता हूँ कि दुनिया में इस जैसा इलम जो है वो हमारे ज़माने में जो हमने उनके बाद और उनके ज़माने के आने वाले लोगों से, से लेकर आज तक देखे हैं उस तरह का आलिम वाक्यता नहीं देखा